आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ चाय। मैं काम कर रही थी तो आ गए नानी लोग, मेहमान लोग आ गए। आज मेरे घर पे नानी है, मेरे तीन नानी आए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ चाय। और ये बिस्किट मैं ले आई, चाय बिस्किट उन लोग को देती हूँ। रेडी हो गई मेरी चाय। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोफ्ते। इसके अंदर अदरक डालना है और लहसुन, दो कुड़ी लहसुन और हरी मिर्च। इसको मिक्सर में ग्राइंड करना है। ये मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सर में। मटन कोफ्ता बना रही हूँ मैं आज। इसके अंदर अपने को डालना है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और मिर्ची पाउडर। कांदा बारीक बारीक कटिंग करना है, कांदा भी इसमें ऐड करना। थोड़ी कोथमीर कटी हुई, नमक, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करिए। पाँच मिनट तक मिक्स कर इसको मिला चुपता बनाने का तरीका। ये हल्का सा इसको ये देखिए कोफ्ते की मुट्ठी मैंने बना चुकी हूँ। और ये अभी इसके अंदर मैंने रखी हूँ गरम के लिए। इसके अंदर तेल डालना है, ये मैंने तेल डाल दी इसके अंदर। तेल को अच्छी तरीके से गरम होने के लिए दीजिए। और फिर इसके बाद में ये दो प्याज मैंने बड़ा दो प्याज कटिंग करके रख दी। ये मेरा तेल गरम हो चुका। अब इसके अंदर ये प्याज में डालकर इसको हल्का मरून होना चाहिए, हल्का फ्राई करो इसको। हल्का फ्राई होएगा, ये हमारा फ्राई हो चुका। इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का हल्का फ्राई करके। अब इसके अंदर मैं छोड़ने जा रही हूँ ये जो मैंने कोफ्ता तैयार की हूँ। एक एक इसके अंदर सब डालकर पूरे कोफ्ते डाल चुकी हूँ। एक ही साथ पूरा डालना है अपने को। और स्लो आंच पे इसको 10 मिनट तक अच्छी तरीके से पकना चाहिए। वो ऐसा भी मैं बारीक कर चुकी हूँ इसको ग्राइंडर में, लेकिन फिर भी आप लोग भी इसको थोड़ा 10 मिनट तक पकने पे ढक्कन ढाप कर इसको 10 से 15 मिनट तक होने दीजिए। इसके बाद का फिर मैं आपको बताती हूँ। इमली भीगने रखी थी और इसको 10-5 मिनट तक भीगने रखी। अब इसका पानी खाली अपने को डालना है इसके अंदर। ये इमली का मैं पूरा ये इमली का पानी, ये मेरा कोफ्ता हो गया तैयार। इसके अंदर ये इमली का पानी छोड़ना है, इससे और टेस्टी होता है ये, थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है। और इसको थोड़ा हिलाए और वापस से इसको थोड़ा स्लो पे रखना है अपने को। थोड़ा ये हल्का सा ग्रेवी रहेगा। ये देखिए इसका कलर पक रहा है। ये इसको और अभी 10 मिनट अपने को रखना है स्लो पे। ये रेडी हो चुका मेरा मटन कोफ्ता, हल्का सा ग्रेवी इसके अंदर। कैसा लगा मेरी रेसिपी आपको? लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जजाकल्ला।